तरह से यहाँ पे कंधे पे लेकर लोग जो है रोष कर रहे हैं। हमने कहा था कि तराजू तोल के देखो कि पलड़ा किसका भारी है, तराजू तोल के देखो कि पलड़ा किसका भारी है। तुम्हें झंकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है, हमें इंकलाब प्यारी है, हमें अपना अधिकार प्यारा है। जैसे हमने बताया था कि आज सोमवार को हजारों हजारों के भीड़ में या जज लोगों ने उमड़ा है या अपना हक और न्याय की मांग कर रहे हैं या अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना शिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम शिक्षा बचाने नहीं निकले चले हैं। जब शिक्षा बचाएंगे तो अपना देश बचा लेंगे और जब देश बचा लेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बचा लेंगे। यदि यहाँ पे किस क्रांति की इबादत से, इंकलाब से जीत की मुहिम लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, कुलपति की बढ़ते हुई तानाशाही की छाती में तिल ठोका जाएगा। जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगा तब तक यहाँ से हजारों के जनसंख्या में छात्र यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक हम फीस वृद्धि वापस नहीं करा लेते तब तक जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी नई और जीत हार नहीं है। बार बार हमने लड़ा है, बार बार हमारी जीत हुई और बार बार उनकी हार हुआ है। महोदय चलिए इधर दिखाते हैं, इधर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जोरदार कर रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए हमारे चैनल पे। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द जो फीस वृद्धि की गई है, जिससे गरीब छात्रों को, जो पिछड़े छात्र हैं उनके शिक्षा को बर्बाद करने का प्लान बनाया गया है, उनके शिक्षा रोकने का एक अप्रत्यक्ष तौर पे ये प्लान ये प्रशासन बनाई हुई है। उन छात्रों की शिक्षा की लड़ाई है और हमारी मांग है कि जो 400% का ये फीस वृद्धि हुआ है वो तत्काल प्रभाव से वापस हो। इसको फीस वृद्धि को लेकर देखिए, पूर्ण रूप से गाँव गरीब मजलूम के जो बच्चे हैं उनको, आने वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। गरीब घर से जो बच्चे आए हैं उनको पूर्ण रूप से समाज के निम्न हाशिए से, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक बच्चे जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो बच्चे कमजोर है उनको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। इस यूनिवर्सिटी को बेचने की साजिश चल रही है, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करने की बातें चल रही है। मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि वाइस चांसलर महोदया को निर्देश और आह्वान के साथ कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग कुछ कार्यक्रम है लेकिन आपको चंद माध्यम से कह रहा हूँ कि होश में आ जाइए संगीता श्रीवास्तव और चंडाल चौकड़ी। अभी ये छात्रों की अंगड़ाई और हुजूम नई दिशा और तय करने के लिए और बढ़ चुकी है। तुम्हारी कहन को कहन कर रहा हूँ, इस अवैध व्यवस्था को सहन कर रहा हूँ, जो दरवाजे खुलते नहीं है खटखटाने से उसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। छात्र एकदा जिंदाबाद। धरने कहा आज आर पार की लड़ाई है, क्या कहेंगे? आर पार की लड़ाई इसलिए कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आज पिछले 7 दिन से हमारे 5 साथी अपने पेट की नसों को तोड़िया निचोड़ रहे थे, लेकिन ये निर्दयी बेहाय और निकम्मी कुलपति जो आई है, जो दिल्ली की दरबारों से आशीर्वाद कोर्टे से आके बैठी हुई है, ये संगीता श्रीवास्तव पता नहीं है किस तो गलतियाँ फरमान में बैठी हुई है कि आज कैसे हृदय में थोड़ा सा भी ममता ही मई नहीं दिखाई है और कोई डेलीगेशन हम लोग से मिलने नहीं आया है। ये अभागी और निकम्मी कुलपति को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम तो होश में आ जाओ, होश में अगर तुम गांधीवादी रास्ते से नहीं आओगी तो तुम्हें भगत सिंह और आजाद के माध्यम से होश करने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय चाहते। फीस वृद्धि वापस नहीं होती है तो क्या करेंगे? वापस नहीं होगी तो पूर्णतः रूप से कह देंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई कक्षा संचालित नहीं होगी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर चैंस की नींद और DLW के कोई कार्यकाल का चलने नहीं देंगे और यहाँ से लेकर दिल्ली की सदनों तक घेरने का काम करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ाना है तो 5% बढ़ाइए, 400% बढ़ा देते हैं। बढ़ाना ही नहीं है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, देश सर देश के 135 करोड़ जनता के टैक्स से यह यूनिवर्सिटी चलती है, टैक्स पेयर यूनिवर्सिटी है, कर से हमारी यूनिवर्सिटी चलती है, इनकी बाप और खाला के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं चलती है, देश की जनता पैसा देती है तो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रशासन भी चुस्त लगी है, इधर जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। धन्यवाद।